दुनिया भर के समुद्र में एसिड की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, यानी समुद्र की लहरों में तेजाब की वृद्धि हो रही है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसानों को लगातार द्वारा समुद्र में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इससे समुद्र में अमोनिया गैस बन रही है। एक स्टडी के मुताबिक समुद्री वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाली नाइट्रेट ऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे ओजोन लेयर की काफी नुकसान हो रहा है। नाइट्रेट ऑक्साइड ओजोन को परत पहुंचाने वाली अहम ग्रीन गैसों में से एक है। विशेषज्ञों ने उत्तरी प्रशांत महासागर में पकड़ने वाले होकदाल और कुरिल द्वीप के पास नाइट्रेट ऑक्साइड का आकलन किया है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंसानों की गतिविधियों के कारण बढ़ती रही है। इसी कारण सागरों की एसिड स्तर बढ़ रहा है। 2021 तक दुनिया भर के सभी महासागरों में नाइट्रेट ऑक्साइड का स्तर 185 से 481 प्रतिशत बढ़ सकता है। इस क्षेत्र में बन रही नाइट्रेट ऑक्साइड का प्रभाव भी कार्बन डाइऑक्साइड से करीब 298 गुना है। इस स्टडी के लिए जापान के 5 टीमों को विभिन्न जगहों पर सैंपल जमा किए। पता चला कि समुद्र के माइक्रोन अमोनिया और नाइट्रेट ऑक्साइड में बदल आ रहा है। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट।